नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड सम्मेलन और क्वाड सम्मेलन में ढेर सारी बातें और ढेर सारी चर्चा। उसका उद्देश्य सिर्फ एकमात्र ये है कि एशिया में या हिंद प्रशांत क्षेत्र में कुछ एक ऐसी स्थिति बने जो फिलहाल नेटो की है। ये आरोप चीन का है। जी हां, उसी चीन को जिसको हर दृष्टिकोण से घेरने की बड़ी तैयारी, चीन को घेरने की तैयारी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत कर रहे हैं। हालांकि ये बात अगर तर्कसंगत रूप से कहा जाए और उसको सैद्धांतिक तौर पर व्याख्यायित किया जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इन चारों का उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक स्थिति को इतना मजबूत करना वहां, ताकि वहां पर कोई परेशानी उत्पन्न न हो सके और सब अपने आप में और अपने को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर सके, जहां तक एक देश का सवाल है। लेकिन चीन है कि मानता नहीं, क्योंकि चीन की कोशिश है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट की जाए जिससे उसका वर्चस्व कायम हो, उसकी ताकत, उसकी चौधराहट साबित हो सके और वो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह बन जाए। लेकिन अमेरिका और भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ऐसा नहीं होने देना चाहते और चीन को घेरने की एक बड़ी रणनीति, एक बड़ी कोशिश जापान की राजधानी टोक्यो में कारगर सिद्ध होगी क्या यह बातचीत, और वो सारी कवायद क्या कारगर होगी, इसी पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामरिक मामलों के जानकार कर्नल शैलेंद्र जुड़े हैं। कर्नल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवी स्टार न्यूज में। क्वाड की इस बैठक में जो बातें अभी तक हुई हैं वो सब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका भारत, अमेरिका जापान, जापान भारत, ऑस्ट्रेलिया भारत और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और जापान सब एक एक करके आपस में बात की, उसके बाद चारों ने मिलकर बात की और चारों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि चीन की चौधराहट नहीं चलने देंगे। किस नजरिए से आप देखते हैं इसको? इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस समय ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान को भारत की जरूरत है दो वजह से। एक, क्योंकि भारत से बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, सो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। साथ ही साथ चाइना को न्यूट्रलाइज करने का सबसे नजदीकी जरिया है भारत और सिर्फ भारत। जहां तक भारत का सवाल है, यस, भारत को पता है कि विस्तारवाद नीति जो है चीन की, अगर उसे न्यूट्रलाइज करना है और आज की तारीख में हमारे पास अगर वो सैन्य शक्ति नहीं है नेवी की, तो हम बाकी देशों के साथ मिलकर करें। तो इट्स अ विन-विन सिचुएशन। चौधरी साहब को बैठना ही पड़ेगा। चौधरी साहब को बैठना पड़ेगा, लेकिन चौधरी साहब नाराज होकर के बोल चुके हैं कि ये हमको घेरने की बड़ी तैयारी है। और अगर चौधरी साहब घिरता हुआ देख रहे हैं कर्नल सर, तो क्या इस घेरने की रणनीति को और ज्यादा ओपन कर देना चाहिए इन चारों देशों को? चारों के चारों देशों को मुबारकबाद कि अगर चौधरी साहब चाइना को दिख रहा है, समझ रहा है कि ये मुझे ही घेर रहे हैं। हम चाहते भी यही है कि आप ये कि आपको घेरा जा रहा है, इसलिए किसी भी तरह का मिस एडवेंचर मत करिएगा। जब चौधरी और चीन को घेरा जा रहा है, हम चौधरी नाम देते हैं आपके इस नाम को, हो सकता है कि ये बात वायरल हो कि वो चौधरी साहब बनने की कोशिश चाइना कर रहा है इन प्रशांत क्षेत्र में। लेकिन इसी बीच एक खबर आई होगी जिस पर आपकी नजर होगी कि चीन के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने ताइवान पर कब्जा करने की एक बड़ी रणनीति बनाई थी, उसका ऑडियो लीक हो चुका है। एक बड़ी हिम्मत, बड़ी कोशिश कर रहा है चीन अपनी चौधराहट को साबित करने के लिए। और इसी बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में इस तरीके से चीन को कंट्रोल करने की एक बड़ी रणनीति बन रही है। एक तरफ इकोनॉमी है और एक तरफ सैन्य ताकत है, दोनों पर बैलेंस बनाने की एक बड़ी जरूरत है। कैसे ये चारों देश इसको मैनेज करेंगे? तो जहां तक भारत का सवाल है, क्योंकि हमारी प्रॉक्सिमिटी चाइना के साथ इतनी है कि हम उसे दो बॉर्डर्स के ऊपर इनकाउंटर कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, उसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये दुनिया के बाकी देश अच्छे से जानते हैं। और बाकी देशों को ये भी पता है कि अगर इकोनॉमिकली भी चाइना को अगर कोई चैलेंज करेगा अगले 5 से 10 साल में, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इस वजह से पूरी दुनिया, ये वही भारत है जिसको दुनिया इग्नोर किया करती थी, नॉन अलाइंड बोला करती थी, लेकिन आज ये दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ मिल इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इकोनॉमिकली अगर आपको आगे बढ़ना है तो भारत के साथ बढ़िए, अगर चीन को न्यूट्रलाइज करना है भारत के साथ बढ़िए, क्योंकि भारत जैसा लड़ाका आपको दुनिया में मिलेगा नहीं। कर्नल सर, आपको क्या नहीं लगता कि अमेरिका की जरूरत है, जापान की जरूरत है
और ऑस्ट्रेलिया की भी जरूरत भारत के प्रति ज्यादा है, और शायद इसीलिए हम आपको एक ताजा उदाहरण देते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि भारत के साथ हम वो दोस्ती निभाएंगे और ऐसे सहयोगी साबित होंगे जो फिलहाल इस धरती पर दूसरा कोई नजीर के रूप में नहीं पेश किया जा सकता। बहुत बड़ी बात कह दी है जो बाइडेन ने। किन परिस्थितियों में उनको ये बात कहने की जरूरत पड़ी है, इस तरह का बयान देना पड़ा है? मुझे अफसोस के साथ ये जरूर कहना पड़ेगा कि इस तरह का लारा लप्पा देना यूएस की आदत में है, फितरत में है। इंडिया को इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए कि अगर उन्होंने ये ऑफर किया है तो हम उसको कमिट करवाएं। यूएस कमिटेड रहना चाहिए उस बात के ऊपर। साथ ही साथ जो हम अपनी सेल्फ रिलायंस की, मेक इन इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम हमने चला रखी है, इसको अब हम स्पीड चौगुना कर दें, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड करने का मतलब सिर्फ एक होता है कि आप नंगा होकर लंबी चाल चलेंगे। आप मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दे रहे हैं कर्नल सर, आपकी आवाज कुछ डिस्टर्ब हो रही है सर। नहीं, मेरी आवाज़ नहीं हो रही। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मेक इन इंडिया पर आपका बहुत जोर रहा है और होना भी चाहिए। और मैं आपको फिर एक उदाहरण देता हूं कि इसी क्वाड सम्मेलन में जो 24 से 48 घंटे के दौरान जो राजनयिकों के द्वारा या जो अब इन प्रधानों के द्वारा, प्रमुखों के द्वारा जो बातें की जा रही हैं 1-to-1 और चारों मिलकर के कर रहे हैं, उसके पीछे एक है कि भारत की ताकत को बहुत मजबूत किया जाए। ये स्पष्ट रूप से क्वाड सम्मेलन की बातें हैं। इसके मायने यही है कि चाइना को वास्तव में अगर घेरा जाएगा या चेक एंड बैलेंस की स्थिति अमेरिका जो बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें भारत को और मजबूती देनी होगी। इसलिए भारत के उस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए भारत के मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। इस मेक इन इंडिया को कैसे हम ज्यादा, इस अवसर को, जैसा कि प्रधानमंत्री कहते रहे कि आपदा को अवसर में बदल देना है, ये तो बहुत बड़ा अवसर है, कैसे हम फायदा उठा सकते हैं? दो बातें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हमें घमंड करने की कोई जरूरत नहीं इस बात का। हमें बिल्कुल घमंड नहीं है कि इन तीनों देश को हमारी जरूरत, हमें भी इनकी जरूरत है। अगर हम चारों का एनिमी नंबर वन चाइना है तो चाइना को किसी भी हाल में गिराने के लिए हमें किसी तरह का कंप्रोमाइज करना पड़ता है, हम करेंगे। अगर हमें 12 के बजाय 24 घंटे काम करना पड़ता है और अपनी इकोनॉमी को इस चाइना से आगे ले जाना है, मैं 24 घंटे में 25 घंटे का काम करने को तैयार हूं, लेकिन अपनी इकोनॉमी को इससे आगे ले जाऊंगा, क्योंकि यही एक अकेला तरीका है कि ना केवल चीन, दुनिया का हर देश आपकी तरफ सलामी करेगा। जहां तक बात है भारत की जरूरत की, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। इस समय हम स्टिल डेवलपिंग स्टेज पर हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, थोड़ी टेक्नोलॉजी में कमी है, और ये कमी हमारे ये जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं ये ही दे पाएंगे। सो इनको अपने साथ मिलाकर रखना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। कर्नल सर, क्या आपको नहीं लगता कि रक्षा, जैसा कि आप रक्षा से जुड़े हुए हैं, एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर भी आप जाने जाते हैं, रक्षा के क्षेत्र में हमारा इस तरह से कोलैबोरेशन हो, इस तरीके से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हो कि मेक इन इंडिया के तहत बहुत कुछ हम लोग डेवलप कर सकते हैं, इस पे अमेरिका की अपनी ही चौधराहट न बनी रहे कि जहां उसको जरूरत पड़े बस हथियार बेचना है और बस दो लोगों को लड़ने के लिए छोड़ देना है। इसके लिए भी भारत को, अमेरिका को तैयार करना चाहिए कि भाई चाइना को अगर हम कंट्रोल करना है हमें और चेक एंड बैलेंस बनाए रखना है हम चारों को मिलकर के, तो हमारी भी रणनीति को समझिए, ये भी बात करनी चाहिए। भारत की रणनीति इस समय हालांकि बिल्कुल ठीक लाइन पर है, बट मैं चाहूंगा कि ये सरकार सोचे, आप सोचे, पब्लिक सोचे, सिर्फ टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान अपने आप में आंसर नहीं, हमें अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करनी पड़ेगी। यस, जब तक हम अपनी डेवलप नहीं कर पाते, और टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे होगी, जब आपके पास पैसे होंगे, जब आप R&D करेंगे, रिसर्च करेंगे, रिसर्च में पैसा लगता है, और वो पैसा कहाँ से आएगा, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। आज की तारीख में अगर चाइना आपके F-35 के खिलाफ F-31 अगर एयरक्राफ्ट बना रहा है, कैसे बना पा रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है। आज की तारीख में उसके पास वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही है, अभी भी वो F-35 को मुकाबला नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगा रहा है जो अवेलेबल है, चाहे उसको US बोम्बे के कॉपी कर रहा है, वो दूसरी तरफ सुखोई की कॉपी कर रहा है। कॉपी कर रहे हैं तो क्या हो गया भाई,
है तो मेरी अपनी, मैंने उस जहाज के अंदर कौन से टायर के अंदर क्या चीज लगाई है वो मुझे पता है, आपको नहीं पता। ये है सेल्फ रिलायंस। भारत को अपना सेल्फ रिलायंस गोल किसी भी हालत में धीमा नहीं करना चाहिए, उल्टा बढ़ चढ़ के करना चाहिए। मैंने कहा कि यूएस को कमिट करवाइए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कमिट करवाइए। सीधी बात है, अगर आज की तारीख में आप मेरे तरफ देख रहे हैं कि चलिए जी गेहूं आप क्यों नहीं दे रहे, आपने क्यों बैन लगा रखा है, बोले जी मैंने इसलिए बैन लगा रखा है, आपने भी तो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर बैन लगा रखा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दोस्ती में भी हम याद दिला दें कि देखिए यहां पर आप गलती कर रहे हैं, यहां पे आप अपना हित देख रहे हैं, हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, और इसको न सिर्फ कहें बल्कि हम मनवा लें और वो चीज करवा लें। बिल्कुल साधारण शब्दों में हम लोग डिबेट कर रहे हैं सर, इसमें यही होना चाहिए ना। अगर हम साधारण शब्दों की बात कर रहे हैं तो इसके बीच में अनफॉर्चुनेटली एक वर्ड है डिप्लोमेसी। हम इतना खुलकर इस समय इन कंट्रीज को नहीं बोल पाएंगे, हमें भी अपने विनम्र तरीके से, हम्बल तरीके से इन्हें बताना पड़ेगा कि जी अगर आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके हिसाब से प्ले करूं, आपके साथ दूं, तो आपको भी उतना ही मेरा साथ देना पड़ेगा। टिट फॉर टैट होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे से वार्ड में एक तरफ बोलते हैं कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे को आप कोड के अलावा कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे नहीं, कोड किस काम का, मैं क्या करूं इस कोड का? अगर आपस में एक दूसरे को एश्योरेंस, नाटो कंट्रीज को क्यों एश्योरेंस है कि अगर किसी नाटो कंट्री के ऊपर अटैक हो गया तो सारी कंट्रीज मिल जाएंगी नाटो की, एश्योरेंस है ना, क्योंकि देयर इज अ एग्रीमेंट। हमारे केस में नहीं है, हमारे केस में नहीं है ये, एक्चुअली तीनों कंट्रीज अपना फायदा देखकर हमारी तरफ आ रहे हैं, इनको हमें अपने तरफ रखना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमें भी उनकी जरूरत है। हम पूरी दुनिया में वो चीजें नहीं कंट्रोल में रख सकते जो ये लोग रख पाते हैं, और इसी वजह से हम कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, हमारी सबसे ज्यादा सुप्रीम। हमारी इस बातचीत में एक बात ख्याल में आया कि अभी राहुल गांधी विदेश गए थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो किसी की सुनते ही नहीं, इवन कि उन्होंने भारत के विदेश नीति पर और डिप्लोमेटिक मिशन पर लगे हुए डिप्लोमैट्स पर भी बड़े आरोप लगाया, जिसका जयशंकर ने जवाब दिया, बहुत ही सीधा जवाब उन्होंने दिया कि हाँ आज हम दमखम के साथ बोलते हैं और हम मानवाते हैं वो बात जो हमारे हित में होती है। तो अब तो बोलने का अंदाज हमारा बदल गया, ये तो ऑन रिकॉर्ड जयशंकर ने बोला, हमारे विदेश मंत्री ने बोला है। राहुल गांधी जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको बधाई हो कि यस आप रियलाइज कर रहे हैं कि आज का भारत कुछ और लैंग्वेज बोल रहा है, ये वो लैंग्वेज नहीं है जो शायद आप बोलते थे या आपकी पार्टी बोलती थी। उसके फायदे हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, अपने टाइम पर। आज का समय है कि अगर चाइना आपको आंख निकाल दिखा रहा है तो मैं उसे निकालने की बात करूं, उसको वापस दिखाने की बात नहीं करूं, मैं उसकी आंख निकालने की बात करूंगा। आज अगर यूएसए मुझे बोल रहा है कि आप मेरे साथ क्वाड में खड़े होइए, तो मैं उससे डिमांड करता हूं कि अगर मैं रूस से तेल ले रहा हूं और उस तेल के बीच में आप खलल नहीं डालेंगे, इसको बोलते हैं बात करना। आपको पसंद नहीं आ रहा, ये अनफॉर्चुनेट बात है, अगर आपको आज का प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं आ रहा तो ये आपकी बदकिस्मती है। ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिसको लोगों ने बनाया है आपके टाइम में। मैं आज बोलने को तैयार हूँ, इंदिरा गांधी को लोगों ने बनाया था, इंदिरा गांधी को बोला जाता था आयरन लेडी ऑफ दी वर्ल्ड, क्यों बोला जाता था, क्योंकि वो कड़े डिसीजन ले पाती थी। आज की तारीख में आप अगर कड़े नहीं है, आप में वो मादा नहीं है जी, ताकत नहीं है, तो आप कृपया कर सीखिए, आप भी कंट्रीब्यूट करिए दूसरी कंट्रीज में जाकर, देखिए मेरा देश आज कहाँ है, कि हम आप लोग को बता सकते हैं कि नहीं आप गलत हैं, हम सही हैं। अब ये जो नया सिस्टम चला है कि हम भी सही हैं, ये अब हम वापस नहीं लेंगे। कर्नल सर, क्या आपको लगता है कि क्वाड का एक्सटेंशन भी होने वाला है, क्योंकि क्वाड की लगातार हो रही बैठकों के बाद जो फाइंडिंग्स आ रही हैं वो बहुत होप दे रही हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र के लोगों को, या जो चीन से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं वो देश? क्वाड अपने आप पे ये जरूर दिखा रहा है पूरी दुनिया को कि किस तरीके से आप एक मैनिपुलेटिव एनिमी को कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना आप खुद बोल रहा है कि क्वाड मेरे लिए बना है,
वेरी गुड ना, समझ आ रही है उसे, हम यही समझाना चाह रहे थे इतने सालों से, आज की तारीख में आपको समझ आ रही है, क्यों? क्योंकि हम मिल गए, अगर हम नहीं मिले होते तो आपको समझ नहीं आती। इसी तरह दुनिया के बाकी देश भी देख रहे हैं कि इंडिया का अगर एग्जाम्पल लिया जाए जी, तो मैं ये मानने को शायद तैयार हो जाऊं, इतने डेवलप्ड नहीं, जी जी जी, लेकिन हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ चल कर ये काम कर रहे हैं कि हम अपने से एक शो कॉल्ड जी अपने आप को सुपीरियर समझने वाला चीन जी इस समय खुद थ्रेटन कर रहा है कि जी देखिए क्वाड मेरे अगेंस्ट। तो आपको क्या लगता है कि क्वाड का भविष्य उज्जवल है और चाइना कंट्रोल में रहेगा? हालांकि वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसके नेशनल जो एक कैरेक्टर है, उसकी फितरत बन चुकी है कि वो समय समय पर पीठ में खंजर भोग कर अपना काम निकाल लेता है। अगर यूएस ने अफगानिस्तान जैसी कोई गलती नहीं करी तो क्वाड अपने आप में बहुत सक्सेसफुल है जी। मुझे सिर्फ तकलीफ है ये वेस्टर्न कंट्रीज की, वो ये है कि ये कहते काफी कुछ है बट करने की बारी आती है तो यूक्रेन में जाने को राजी नहीं है, विजिट करने को राजी है लेकिन वहां जाने को राजी नहीं है, तैवान को सपोर्ट करने को राजी है लेकिन जाने को राजी नहीं। अगर इस तरह की गलती इन्होंने हमारे साथ नहीं करी, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर अगर ये चले, तो क्वाड जैसी शक्तियां पूरी दुनिया में दो दो चार चार छह छह कंट्रीज मिलकर बड़े अच्छे से बना सकते हैं अपने से एक सो कॉल्ड सुपीरियर कंट्री के लिए चाइना के लिए। फिलीपींस ज्वाइन कर सकता है, चाइना का इस समय 23 देशों के साथ विवाद है सीमा से, जी जी जी, ये 23 देश क्यों नहीं मिलकर आपस में काम कर सकते, जरूर कर सकते। क्वाड अपने आप में एक एग्जांपल है कि भारत जैसा देश जिसको एक तरीके से वो सपेरे वाला देश माना जाता था, आज आप उसकी तरफ वो कंट्रीज देख रही है, वो जो बाइडन देख रहे हैं कि नहीं जी हम तो आपके साथ दोस्ती निभाने को तैयार, आप निभाइए पहले, मैं आपको टेस्ट करूंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि भारत कितना निभाता है, जैसा आज की तारीख में भारत कुछ भी कह लीजिए लेकिन रूस के साथ निभा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सर, आपका अमूल्य समय हमें मिला और आपने बहुत ही जल्दी में और त्वरित सवालों के त्वरित जवाब दिए और बेबाक टिप्पणी आपने की है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। तो ये थे कर्नल शैलेन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्वाड का भविष्य उज्जवल है और इसका एक्सटेंशन भी होना है, फिलीपींस नहीं बल्कि 23 देश हमारी ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं, और भारत की स्थिति इसलिए मजबूत है कि बिना भारत को साथ लिए कोई भी चीन को घेर नहीं सकता, क्योंकि दोनों पड़ोसी देश हैं चीन और भारत, और भारत की ताकत अगर मजबूत रहेगी तो ये क्वाड चीन की किसी भी चौधराहट का माकूल जवाब देने की स्थिति में होगा, इसलिए क्वाड का भविष्य उज्जवल है और क्वाड के सदस्य देशों की संख्या आने वाले समय में बढ़ भी सकती है। क्या होगी स्थिति, एवी स्टार न्यूज उसका हर एक पहलू का विश्लेषण करेगा, उससे संबंधित जो भी खबर होगी वो आपको बताएगा, लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।